हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए दो आइडेंटिकल वायर दिए गए हैं इस तरीके से, एक ये वाला ठीक है और एक ये वाला, दोनों वायर को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किया गया है। लिखा है उसके बाद इफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर्स रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इफेक्टिव कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है, पहले वायर की कंडक्टिविटी सिग्मा वन दी गई है और रेजिस्टेंस आर वन दिया गया है, दूसरे वायर की कंडक्टिविटी सिग्मा टू दी गई है और रेजिस्टेंस आर टू दिया गया है, ठीक है, और आपसे इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछी गई। चूंकि आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है, ये आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, वन अपॉन रो होता है। अगर यहां से रो की वैल्यू फाइंड करनी हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिग्मा हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू रो की वैल्यू है वन अपॉन सिग्मा, रो की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन सिग्मा, यहां पर रख दो आके जरा वैल्यू, रो की जगह पर लिख दो वन अपॉन सिग्मा, तो एल रो की जगह पर रखोगे वन अपॉन सिग्मा तो ये आ जाएगा नीचे, तो ए इंटू सिग्मा ये आ जाएगा, ये हमें वैल्यू मिल गई आर की, ठीक है। पूछा क्या गया, आर इफेक्टिव पूछा गया, तो आर इफेक्टिव की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी, आर इफेक्टिव बराबर सीरीज में है तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, आर इफेक्टिव की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा कितनी निकलेगी, टू एल सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए, और आर वन, आर वन के लिए अगर यहां से निकालें तो क्या लिखोगे, एल ए सिग्मा वन प्लस एल आर टू के लिए लिखोगे तो ए सिग्मा टू, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहां तक आपके बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि इसे सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है। कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है वो देख लीजिए, 12 तो वही रहेगा, सिग्मा इफेक्टिव वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, ऊपर इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है एल और नीचे कॉमन मिल रहा है ए, तो एल और ए क्या मिल गया हमें, कॉमन मिल गया। बच्चा क्या क्या बोले लो, ठीक है, वन अपॉन सिग्मा वन बचा प्लस वन अपॉन सिग्मा टू बचा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से यल से यल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, टू डिवाइडेड बाई सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा वन बचा प्लस वन अपॉन सिग्मा टू बचा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू सिग्मा इफेक्टिव जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे इक्वल टू, इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, सिग्मा वन सिग्मा टू, ऊपर जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। इस तरीके से अगर हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, सिग्मा इफेक्टिव को इधर ले जाएं और ये वाला इधर ले जाएं, तो सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये हमारा आंसर निकल आएगा। सिग्मा इफेक्टिव बराबर निकल आया टू सिग्मा सिग्मा टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू,